पायल डिसाइड फ्रॉम अमेजिया सलोन एंड एकेडमी डे फर्स्ट में आपने सबने देखा होगा कि मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे हेयर के बेस कौन कौन से होते हैं और उस बेस के अंडरटोन कौन से होते हैं और उन अंडरटोन्स को जो भी येलो ऑरेंज कलर के पिगमेंट आते हैं हम उनको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वो तीन चीज़ें मैंने आपको उस दिन क्लियर की थी। तो आज मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ अ कलर व्हील। आप सब जानते ही होंगे कि कलर व्हील का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कलर में। जैसे आपको मैंने आपको बताया था कि अपने फर्स्ट ईयर वाले टॉपिक में जैसे हमें सभी कलर रिमेम्बर करने हैं, उनकी अंडरटोन्स कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बताया था, और न्यूट्रलाइज कैसे करना है वो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कलर करने के लिए। बट उसके साथ साथ हमें ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि कलर व्हील क्या है, व्हाट इज़ अ कलर व्हील, बिकॉज कलर करने के लिए हमें कलर व्हील की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो मेरे डे सेकेंड में आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कलर व्हील क्या होता है, उसमें कूल कलर कौन से हैं, वार्म कलर कौन से हैं, उन दोनों को कलर को ऐड ऑन करके कौन से कलर क्रिएट होते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ कलर व्हील। कलर व्हील जैसे आप सब जानते ही होंगे, हमने बचपन में स्कूल टाइमिंग में भी सुना होगा प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं, तो सब हमने सबने वो सीखा हुआ है। बट कलर, हेयर कलर में इसको हम कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। द फर्स्ट वन आता है हमारा कलर व्हील, जिसमें ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं। दिस वन इज अ रेड, ब्लू एंड येलो। ये तो हो गए हमारे तीन प्राइमरी कलर, रेड, ब्लू एंड येलो। देन उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी कलर की बारी। सेकेंडरी कलर में हमारे जो कलर आते हैं, दिस वन इज अ वायलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? प्राइमरी है रेड, ब्लू एंड येलो, सेकेंडरी है वायलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन। ये जितने भी कलर होते हैं ये आपस में एंटी कलर्स होते हैं, जैसे रेड का एंटी है ग्रीन, वायलेट का येलो, येलो का वायलेट, ऑरेंज का ब्लू, ब्लू का ऑरेंज। तो इतना आपको ये समझ आ ही गया होगा। अब इसमें से हमने देखना है इसमें से वार्म कलर कौन से हैं, कूल कलर कौन से हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हमारे पास क्लाइंट जाता है, वो कहता है कि मुझे कोई फैशन शेड करवाना है, बट उसमें गोल्डन रिफ्लेक्शन तो हो, बट वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होना चाहिए, मुझे अपना जो कलर करवाना है वो सटल होना चाहिए, मतलब कि उसमें गोल्डन रिफ्लेक्शन आए भी बट उसकी जो शेडिंग है, जो बाहर जाके रिफ्लेक्शन आए वो थोड़ी कम होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि हमारे वार्म कलर कौन से हैं और कूल कलर कौन से हैं। तो इसमें हमारा क्या है, जो वार्म कलर्स हमारे होते हैं वो है रेड, ऑरेंज एंड येलो। वार्म कलर कौन से हैं? रेड, ऑरेंज एंड येलो। उसके बाद हमारे आ जाते हैं कूल कलर। कूल कलर में हमारा आता है ब्लू, ग्रीन एंड वायलेट। जैसे थ्री हमारे वार्म कलर हैं और थ्री ही हमारे कूल कलर हैं। ये वार्म कलर एंड कूल कलर हैं जो वो मैंने इसमें से ही निकाले हैं। हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स में से ही हमारे वार्म कलर एंड कूल कलर निकलते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा टर्जरी कलर। टर्जरी कलर कौन से होते हैं ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। टर्जरी कलर कोई अलग से नहीं बनाने पड़ते, वो हमारे कलर व्हील में से ही निकलते हैं। अब टर्जरी कलर कैसे बनते हैं? रेड प्लस वायलेट। आइए देखिए, हमारा है रेड प्लस वायलेट। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा बनता है रेड वायलेट, देन है रेड प्लस ऑरेंज, देन हमारा बनता है रेड ऑरेंज, नेक्स्ट है येलो प्लस ऑरेंज। तो हमारा कौन सा बनता है? येलो ऑरेंज। उसके बाद है येलो प्लस ग्रीन, तो हमारा बनता है येलो ग्रीन, नेक्स्ट है ब्लू प्लस ग्रीन, तब हमारा बनता है ब्लू ग्रीन, द लास्ट वन है ब्लू प्लस वायलेट, तो हमारा बनता है इसमें ब्लू वायलेट। ये टर्जरी कलर भी हमें याद होने बहुत ज़रूरी है, बट उसके लिए पहले हमें रिमेम्बर और याद करना पड़ेगा कि हमारे प्राइमरी कलर कौन से हैं, सेकेंडरी कलर कौन से हैं, उन कलर के एंटी कलर्स कौन से हैं, बिकॉज आगे आपको सीखना व्हाट इज़ अ कलर कटर। क्योंकि जब हम कोई भी कलर करते हैं हेयर में वो डायरेक्ट नहीं आता, बिकॉज जब हम बेस के ऊपर ब्लॉन्डर लगाते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है? अंडरटोन। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अंडरटोन्स निकलते हैं, येलो, येलो ऑरेंज, रेड।
तो उन अंडरटोन्स को कट करने के लिए हमने उनको न्यूट्रलाइज करना होता, और न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्राइमरी कलर कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं, टर्शरी कलर कौन से हैं, और इनको आपस में कट कैसे किया जाएगा। तो आप सबको ये मेरा कलर व्हील तो समझ आ ही गया होगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हाउ टू कट द कलर, हमने कलर कटर कैसे यूज करने हैं, लॉरियल में कौन से कटर्स आते हैं, स्कॉशकॉफ में कौन से कटर्स आते हैं, कौन सा कलर हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कौन से अंडरटोन पे, और कौन सा कलर हम डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगी। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज था हमारा डे सेकेंड में आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। Thank you so much.